गुड आईएमसी साथियों, गुड आईएमसी कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिले। जी हां, आईएमसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं हम लोग। सादर स्वागत है आपका। ललन जी सादर स्वागत है। सुनील वर्मा जी गुड आईएमसी साथियों, गुड आईएमसी। क्या बात है। आजाद जी महमदाबाद की आरमान शान। अखिलेश जी डॉक्टर अखिलेश का आइए, सादर स्वागत है। बलराम जी सादर स्वागत है। आरके सिंह जी सादर स्वागत है। गोविंद जी शानदार जानदार जबरदस्त। आजाद जी पूरी मोहम्मदाबाद की टीम के साथ, वाह वाह। केयर भी कर दिया, वेरी गुड। ये होता है जिलेबी में। आज का जो मेन टॉपिक है, ऐसा क्या किया जाए, या एक चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर अरुण कुमार पांडे को आईएमसी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? या आज जो सारे चिकित्सक जुड़ रहे हैं, राजेश जी चेयरमैन स्टार एसोसिएट जिला फरुखाबाद की आन मान शान, आइए सादर स्वागत है सर जी। एक चिकित्सक होने के बाद भी आईएमसी क्यों, ये एक सवाल है। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी, स्वयं की अपनी क्लिनिक होने के बावजूद भी, आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या है, क्यों किया जाए और किस लिए किया जाए, और आखिर अंतर क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया आईएमसी करने के बाद, यहां से लेके और परम आदरणीय डॉक्टर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पर डीएन सिंह डॉक्टर डीएन सिंह बनने तक की उपाधि तक का ये सफर आज हम सब चर्चा करेंगे। आइए जुड़ते हैं और मिलते हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी सादर स्वागत है आपका, गोरखपुर। क्या बात है, यह न बात बा ए पेज में कहवां से लेके कहवां तक का आदमी जोड़ेला ऐसे। क्या बात है। गोविंद चौहान जी, गोविंद जी क्या बात है। तो पूर्वांचल वालों से चंद लाइनें पेश हैं उनके लिए, जब तक लोग आ रहे हैं जुड़ रहे हैं, कि बिना तो रैन के चांद ना होला, बुझाता बिना त रैन के चांद ना होला, बिना त सूरज के घाम ना होला, और आयुर्वेद कितनो पुराण हो जाए, बाकी आयुर्वेद का कमाल कब्बो पुराण ना होला।
समझने योग्य है, अनुकरणीय है। ये आयुर्वेद ने ये जो सिक्का मनवाया है और सिक्के वाला काम जो हम लोगों ने किया है, जी हां साथियों, टॉपिक वही है कि आखिर चिकित्सक को, आयुर्वेद के चिकित्सक को या चिकित्सक को आईएमसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सिर्फ चिकित्सक को अगर लेते हैं, दुनिया जब एलोपैथ से दुखी हुई या एक एमबीबीएस डॉक्टर स्वयं में जब दुखी हुआ चिकित्सकीय कार्य को लेकर, वो सोच रहा था कि बार बार एक मरीज को हम ठीक करते हैं, आज इस बीमारी से परेशान होकर आता है, फिर कल दूसरी बीमारी से ठीक होकर आता है, और फिर वो बार बार आता है। व्यक्ति एक, बीमारी अनेक, बार बार लगातार अगर कोई आ रहा है तो क्या कारण है। जब वो परेशान हुआ तो होम्योपैथ का जन्म हुआ। हैनीमैन साहब की घटना मैं बताऊंगा आपको कि हैनीमैन साहब ने फिर होम्योपैथ का निर्माण किया, और होम्योपैथ के आविष्कार करने के बाद और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने के बाद, जब परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारी आईएमसी की आन बान शान, हमारे आईएमसी के जन्मदाता परमान आदरणीय भाटिया सर, तो जब इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर काम किया, जन जन तक लोगों को पहुंचाने के लिए काम किया, और फिर जुड़े होम्योपैथ के चिकित्सक। जी हां साथियों, बात चिकित्सकों की है, आज तो चिकित्सकों की बात रखे आपके सामने, तो जुड़े डॉक्टर आनंद वाजपेयी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, और क्राउन प्रेसिडेंट तक पहुंचे हैं जनाब। ये कमाल है आयुर्वेद का, ये कमाल है आईएमसी का कि एक होम्योपैथिक चिकित्सक भी गगनचुंबी उपलब्धियां हासिल की उन्होंने। उदाहरण नंबर दो, यही होम्योपैथ के चिकित्सक, मैं ये नहीं कह रहा आयुर्वेदिक चिकित्सक और डॉक्टर अरुण कुमार पांडे आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में, मैं अपनी बात तो आ ही नहीं रहा, मैं अपने सीनियर्स की ही बातों को लेकर आ रहा हूं। डॉक्टर अख्तर खान वाला अपने आप में अद्वितीय प्रतिभा के धनी होम्योपैथिक चिकित्सक, क्राउन प्रेसिडेंट, और जद्दोजहद चल रही है और ऊंचाइयों को छूने की, आखिर ऐसा क्या है ये जानते हैं कि चिकित्सक अगर हैं, आईएमसी आपने ज्वाइन कर लिया है, आपकी एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन ने या अपलाइन ने अगर आपको साइन कर लिया है, तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि हम ग्रोथ जनरेट करें और आगे बढ़ सकें। मेरा मानना यह है, मैं चिकित्सक हूं, और आज से 6 साल पहले 5 साल पहले जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया था, ऐसे चिकित्सक था। किसान कभी आया, अन्नदाता जिसे कहते हैं, वो आए और केवल दवा लिए चले गए, केवल वहीं तक संबंध रहता था। साथियों, जब से आईएमसी को मैंने ज्वाइन किया है, हमारे टीम में सैकड़ों किसान हमसे जुड़े हैं। जी हां, हमारी टीम के जाबांज लीडर परम आदरणीय डॉक्टर की उपाधि से विभूषित होंगे अवश्य, जब मुंह से निकला है, राजेश त्रिपाठी जी चेयरमैन स्टार एसोसिएट, और इनके साथ आजाद जी मोहम्मदाबाद से, और आजाद जी की टीम में पाल साहब और तमाम उनकी टीम के सदस्यों का जो मैं नाम लेना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इन लोगों ने वो करके दिखाया है कि आज पूरी टीम में आप लोगों के कर्मठ और इस प्रयास से डॉक्टर अरुण कुमार पांडे को जाना जाता है। अगर मैं सिर्फ क्लिनिक पर रहता तो मैं और मेरा मरीज ये संबंध होता। तो आईएमसी करने से जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, इनसे जुड़ने का मौका मिला। दूसरा फायदा, हमने पढ़ा था आयुर्वेद में अश्व आयुर्वेद, गवा आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद, आयुर्वेद की तमाम डिवीजनों में, लेकिन परम आदरणीय सत्यम भाटिया जी की देखरेख में अशोक भाटिया सर ने जो कमाल करके दिखाया है वो सब हम लोग देख रहे हैं, और सत्यम जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो
पशुओं के ऊपर शोध करके ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सब शोध किए हुए हैं। सभी प्रोडक्टों के पीछे देखेंगे तो ये जो होलोमार्क और लॉग करके दिया जाता है ये बहुत ही अनुकरणीय है। आप प्रोडक्ट को जरूर घुमा के देखिएगा, पढ़िएगा। ये जो मार्क्स आते हैं और इस तरीके से ये जो मार्क है ये गोल्डन कलर में जो लाइट में आप देखेंगे हल्का सा दिख रहा है, यस ये वाला ऊपर, इस मार्क के ऊपर वाला बाकायदा इस पे वो इंगित करके देते हैं। तो जो गोपालक हैं, ग्वाले हैं, पशुपालक हैं, इनसे भी जुड़ने का मौका मिला। इनके भी प्रोडक्ट दिव्य प्रोडक्ट हैं, चिलेटेड फॉर्म में हैं। इनका जो कैल्शियम है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और काबिले तारीफ। और क्या जरूरत पड़ी थी, अभी तो हमने दो ही बातें की हैं कि किसान जुड़े और गोपालक जुड़े, पशुपालक जुड़े। एक और जो डिवीजन जुड़ी, अमूमन जो जुड़ने की प्रक्रियाओं के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो नारी शक्तियों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से तकरीबन 4 वर्ष पहले जब परमादरणीय गुरुजी डॉक्टर डीएन सिंह जी मात्र चेयरमैन थे और जिला फर्रुखाबाद में वो आए थे हम लोगों के आग्रह और रिक्वेस्ट पे, जिसको कहते हैं एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। हम लोगों ने बैठकर और हमारे चेयरमैन राजेश त्रिपाठी जी की आवाज से हम लोगों ने बैठकर उनसे बात की थी। आइडिया था त्रिपाठी जी का कि हो ना हो बात रखने में क्या जाता है, अगर आ जाएं तो इसमें कमाल ही कमाल है। हम लोगों ने बात की और उनका नहीं हम पहुंच रहे हैं, वो आए और उसके बाद साथ में लाए हमारी बहन हेबा खान जी को। और हेबा खान जी ने जो यहां पर आकर अपना प्रभाव और प्रभुत्व छोड़ा, उनके माध्यम से यहां पर उनका अनुसरण, उनको अनुकरणीय, उनके सिस्टमों को देखते हुए और लोग यहां पर जुड़ना चालू हुए। नारी शक्तियों के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ और वो हमसे जुड़ी। तो जो नारी शक्ति है, आदि शक्ति है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जो ब्यूटी केयर, होम केयर के प्रोडक्ट हैं उनके माध्यम से हम लोग उसको आगे संचालित करना चालू हुए। पॉइंट नंबर 3, जुड़ने का कारण। जिन परचुनी वालों से महीने में सिर्फ एक बार का संबंध हो सकता था, होम केयर के प्रोडक्टों के सिलसिले में उनसे बात करके, जब तेल बदलो आंदोलन हम लोगों ने चलाया था, जैसे ही लॉन्च हुआ था हम लोगों का ऑयल, राइज ब्रांड ऑयल के साथ जब कभी डिस्कस करने का मौका हुआ और लास्ट टॉपिक्स में जब हम लोगों ने बात की थी, पिछले फेसबुक लाइव पे जब हम लोगों ने बात की थी कि दिल बड़ा कीमती है, लोग आपसे प्यार तब करते हैं साथियों, हाँ लोग सारे लोग आपसे प्यार करेंगे, इस ब्रह्मांड के सभी आपसे प्यार करेंगे, कब, जब आपकी जो हार्ट लाइन है ना वो जिस तरीके से चलती है आपने देखा होगा कभी, जब वो प्लेन हो जाएगी, जब आप वास्तव में इस धरा पे नहीं रहेंगे तो धरा वाले आपका हौसला बढ़ाएंगे, मरणोपरांत आपको प्यार करेंगे। एक मुहिम चलाई हम लोगों ने कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो शरीर में जम जाता है, इसको जमने से बचाना होगा, सबसे चर्चा करना होगा, सबको बताना होगा कि राइस ब्रांड ऑयल कभी भी नसों में नहीं जमता, कभी भी हार्ट में नहीं जमता, ब्लॉकेज नहीं रखता। और उसको इस्तेमाल करते हुए जब डिस्कशन हुआ तो यहां के परचूनी वाले दुकानदारों से भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोग यहां पर तेल को बड़ा पसंद करते हैं और लोग बहुत ही उम्दा तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेवा बस्ती है और सेवा बस्ती के लोगों के साथ जब डिस्कशन हुआ, सेवा बस्ती के साथ लोगों से जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ और एक जो फ्लोर गोल्ड हम लोगों का प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा की हम लोगों ने, तो उस फ्लोर गोल्ड की चर्चाओं में जब ये बेशुमार शुमार किया गया बात कि हां साहब कुछ तो बात है, जब वो केमिकल युक्त प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं,
तो उनके हाथ खराब होते हैं क्योंकि वो बार बार पोछा लगाते हैं, हॉस्पिटल के सेवा बस्तियों वालों से बात की, जो वो काम कर रहे होते हैं वो उसी पोछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन पर केमिकल लग रहा है उसकी स्मेल, या बार बार हाथों को निचोड़ने, वो जो दिक्कतों का सामना वो कर रहे थे, जब उनसे डिस्कस किया कि एक आयुर्वेदिक भी फ्लोर क्लीनर है जिसमें नीम है, जिसमें जड़ी बूटियां हैं, जो कभी आपके हाथ को खराब नहीं होने देंगी, उस दिव्य प्रोडक्ट से चर्चा की और लोग जुड़े। हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में आशाएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, पुरुष चिकित्सा अधिकारी हैं, इन सभी लोगों से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मंच यही तो है। एक चिकित्सक को क्या चाहिए? जनसभाएं, सम्मान, नाम, आपका यश और कीर्ति का जहां गुणगान होता है वो मंच कोई और नहीं साथियों आईएमसी के समान होता है। आईएमसी सम्मान देती है। एक बार कदम तो बढ़ाएं आप। इन तमाम खूबियों को देखते हुए मैं इससे जुड़ा। पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई पड़ेंगे। अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो अफसोस हो सकता है लेकिन अगर आगे देखेंगे हमेशा अगर आगे देखेंगे तो अवसर ही अवसर दिखाई पड़ेंगे। और देखने के लिए सबसे अच्छा क्या है साथियों? इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने आपकी आंखों की दिव्यता बढ़ाने के लिए एलो ज्योति प्लस और एलो ज्योति का निर्माण किया है। एलो ज्योति प्लस, उस पर साफ साफ लिखा है साथियों, आंखों की जो गंभीर परेशानियां हैं और आंखों की जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे बचाती है एलो ज्योति प्लस। और टॉनिक के रूप में एलो ज्योति का कमाल, आंख में अंजन और दांत में मंजन, नित कर कहा गया है। यह हमारी और आपकी अज्ञानता ही है कि जब आंख बिल्कुल परेशान करने लगे, आंख बहुत परेशान होने लगे, टूटने लगे, कीचड़ आने लगे, कम दिखाई देने लगे, तब हम आई टॉनिक का या आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। किसने कहा? कभी तो पलट के देखिए शास्त्रों को। आयुर्वेद में लिखा है अंजन और मंजन ये नित्य कर्म में आता है। तो वो जो कहा आपसे कि पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है कि यार ये बात तो सही है, आंखें तो हमारी हैं और बहुत दिनों तक इनसे देखना है, बड़ी बड़ी टीम और बड़ी बड़ी सभाओं को देखना है, हरिद्वार में हजारों हजार लोगों की भीड़ होती है, कभी आइए मेगा सेमिनार में, दिल्ली का इंडोर स्टेडियम खचा खच भरा होता है, कभी आइए, अचीवमेंट्स टारगेट्स अचीव करिए और आइए। तो वो देखेंगे कब, देख पाएंगे कब? जब आंखें मजबूत होंगी। हम ये जो आगे देखेंगे और दौड़ेंगे, उस दौड़ के लिए हमारे पास क्या है? एक होता है नाइट, NIGST, जिसका मतलब होता है रात, और KNIGST, नाइट का मतलब होता है योद्धा। आईएमसी बनाती है योद्धाओं की शक्ति के बराबर आपको ताकत देने वाली नाइट पावर टेबलेट। खाएं, नित्य सेवन करें। वो नित्य सेवन करने के लिए है जो ऊर्जा का संचार भर देती है शरीर में, ऊर्जा का संचार भरती है। ये डॉक्टर कहेंगे तब खाएंगे, ये प्रथा को छोड़ दीजिए। शरीर किसका है? हमारा। किसका है? हमारा। और इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? जिस अंग को, जिस जड़ी बूटियों की आवश्यकता है उसको समय पर देते रहेंगे। ये आवश्यक है। अश्वगंधा और शिलाजीत है आगे बढ़ने, हौसले को बढ़ाने और मंजिल छूट न जाए, कोई अपना हमसे रूठ न जाए, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट नंबर 2
अश्वगंधा चलाइए, कभी भी आपको कमजोर नहीं होने देगा, कभी भी आपके पैर रुकेंगे नहीं। किसी ने बड़ा खूब कहा है साथियों, पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, आवे हकीम तुम्हारो डंडा। तो पैरों में गर्मी बनी रहे, पैर आपके मजबूत बने रहें, आप खाएं ये दोनों दिव्य प्रोडक्ट, और मन करे तो डेली डाइट आपके पास है, दिन में एक बार खाइए, ऊर्जावान हो जाइए, क्योंकि इसी शरीर ही बैठ जाएगा। भागवत में लिखा है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन बड़ा चंचल है साथी, अणुत्वम च एकत्वम च दो गुणम मनम उचिते, और ये इतना आपको इमोशनल करता है, इतना ब्लैकमेल करता है। जब सारी दुनिया उठ रही होती है, उठ चुकी होती है, जो लगनशील होते हैं वो रात के 3 बजे वाली फ्लाइट को पकड़कर और अगले देश में जाकर अपना काम करके और वापस आ रहे होते हैं, और जो आलसी होते हैं, जिनके ऊपर मन हावी होता है, वो मनमानी के चलते 10-10 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं, 8-8 बजे तक नहीं छोड़ पाते हैं। मने वो मनुष्य कारण बंधन मोक्षयो, इन बंधनों को और इनसे बचने का उपाय है, ये जो दिमाग है इसका टॉनिक है। और इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन, हम लोग जो मार्केटिंग के जिम्मेदार लिए बैठे हैं, हर्बल कारपोरेशन ये बनाकर देती है हमको स्ट्रेस अवे टैबलेट, एलो माइंड बोल्ड, करिए सेवन इसका। ये कहने पर इस्तेमाल किया जाएगा तभी आप करेंगे, किसी डॉक्टर अरुण कुमार पांडे लिख के दें कि साहब आज से खाइएगा तब खाएंगे, ना 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 ना, ये नादानी ना करें। ब्रेन किसका है? हमारा। और ब्रेन टॉनिक कौन खाएगा? पड़ोसी। सर का दर्द किसको होगा? आपके अंदर अच्छे विचार आए, जब आप किसी से राय लेने लगते हैं उसी समय आप उसकी नजर में गिर जाते हैं, जब लोगों से विचारों पर बात करने लगते हैं तो आप थोड़ा कद में उठ जाते हैं, और जब आप राय देने लगते हैं तब आप रायचंद बन जाते हैं, और बड़े उच्च विचारों आपके विचारों को अनुकरण किया जाता है। तो ये सब चीजें कहां से उत्पत्ति होंगी? एक बच्चा बार बार पढ़ रहा है, क्लास में जा रहा है और क्लास में जा रहा है और बार बार पीछे हो जाता है, कम नंबर लाता है, क्या कारण है? घर के मुखिया कौन है? हम। चिंतन कौन करेगा? हमको ही करना होगा। क्या दे सकते हैं बच्चों को? सप्रेम भेंट, हेलो माइंड बोल्ड। स्वयं क्या खा सकते हैं? स्ट्रेस अवे। कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, जो लोग करते हैं अपने बच्चे और पत्नी से प्यार, वो बाल शक्ति और प्यारी सहेली से कैसे कर सकते हैं इनकार, है ना? ये जो बाल शक्ति है, छोटा बालक, घर का बालक, अपना बालक, हमसे जुड़ा परिवार का कोई भी सदस्य जो बालक के रूप में है, अगर वो बार बार आप उसको बीमार होते नहीं देखना चाहते हैं, उसका हाजमा अच्छा बना रहे, वो स्वस्थ बना रहे, अगर ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो सबसे दिव्य प्रोडक्ट है बाल शक्ति। और ये मेरा अनुभव बोल रहा है, व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा है। मेरे घर में आवश्यकता पड़ने पर और न पड़ने पर भी मैक्सिमम प्रोडक्ट आयुर्वेद के और आईएमसी खासतौर से आईएमसी के इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये लाजमी भी है। तो आपकी तरक्की अगर आप चाहते हैं तो आज से कंठस्थ कर लीजिए कि डेली हमको कुछ न कुछ आयुर्वेद के बारे में एक या दो, ये आग्रह है, आग्रह है, आग्रह है, मानेंगे तो जानेंगे, है ना? तो एलो ज्योति प्लस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, नाइट पावर, अश्वगंधा, शिलाजीत, डेली डाइट, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट और हाथ से निकलता जा रहा था, सुपर नरिश मोरिंगा, अपने आप में अनूठा प्रोडक्ट है। ये जो ताकत का संचार करता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, ये देखने लायक चीज है। और हां,
गलती पीठ की तरीके की होती है। जो गलती हमसे होती है, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, वो हमारी पीठ जैसी होती हैं। जैसे हम स्वयं अपनी पीठ नहीं देख पाते, वैसे ही हम लोग अपनी गलतियां भी नहीं देख पाते। तो गलती पीठ की तरह होती है, खुद के सिवाय बाकी सबको दिखती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिर छवाए। जो निंदा करते हैं उनसे नाराज मत होइएगा। वो क्या कह रहे हैं, किस बात की निंदा कर रहे हैं, विचार जरूर करिएगा। एक और जो विशेष बात है, आग्रह करने लायक है, वो ये है कि मन और मकान वक्त पर साफ करते रहिएगा। मन और मकान, मन के लिए मैंने बताया ना आपको कि अगर आपका सर ठंडा है, अगर आप हेयर ऑयल अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेन टॉनिक खा रहे हैं, स्ट्रेस वे खा रहे हैं, तो ठंडा ही रहेगा, अच्छे विचार आएंगे। लेकिन अगर मन और मकान वक्त पर साफ करते रहें, तो अक्सर मकान में क्या होता है, बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब के गलत फहमियां और विचार आकर बैठ जाते हैं। ये बेमतलब के विचार और बेमतलब की गलत फहमियां मन में मत पालिएगा, और खास तौर से टीम के सदस्यों को लेकर। सब रूठ जाएंगे और सब टूट जाएंगे अगर गलतियां पालेंगे, गलत फहमियां पालेंगे। और हमारा काम मालाओं में पिरोना है अपने नवरत्नों को, अपने नवरत्नों को पिरोते रहें और आगे बढ़ते रहें। और चिंतन जरूर करिएगा आज कि वो हमारे नवरत्न कौन है जो हमको क्राउन प्रेसिडेंट तक लेके जाएंगे, उनको क्राउन प्रेसिडेंट तक हम कैसे ले जा सकते हैं, उसका चिंतन आज से ही करिएगा। वो पहुंच जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, ये तो लाजमी है, जरूर सोचिएगा। और मकान को साफ करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, फ्लोर गोल्ड से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं, इतना बेहतरीन खुशबू आता है। तो इस इवेंट के साथ साथ, क्योंकि देखिए ये बात रखने का एक नया तरीका मैंने सामने रखा है कि खुल जाएंगे रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, और सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो क्या करेंगे आज, देर से ही सही, लेकिन अपना एक ग्राफ को उठाकर देखेंगे, मोबाइल में डाउनलाइन, फिर डाउन की डाउनलाइन, फिर उसकी डाउनलाइन, अपलाइन, ये सर्च करने में जितना वक्त जाता है, हमने कला सीखी है, हमारे ग्रेट लाइफलाइन से, परम आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी क्या डाटा मेंटेन करते हैं साहब, काबिले तारीफ। उनका जो डाटा है कलेक्शन करने का तरीका, वो इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है। ऐसे डाउनलाइंस का सौभाग्य, ऐसे लाइफलाइन का सौभाग्य मैं प्राप्त कर लेता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। उस डाटा को जरूर मेंटेन करिएगा, और उसमें कमजोर कड़ी कौन, उस पर जाके वो काम करते हैं, आप भी करके देखिए। ये जो पिन हैं, ये कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होता साथियों, उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होता, ये हमारा निर्णय पर निर्भर करता है। जो हम निर्णय लेते हैं ये उस पर निर्भर करता है, हमने किससे उम्मीद की और किस पर भरोसा किया, ये आप पर निर्भर करता है। ये बड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, है ना। तो टीम का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टीम है कि जीवन में खुश नसीब है वो जो अपना मूल्यांकन करता है। आज अपने मूल्यांकन की भी बात हम कर रहे हैं, स्वयं का आकलन। जीवन में खुश नसीब हैं, खुश हैं वो लोग जो अपना मूल्यांकन करते हैं, और दुखी वो हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। तो दूसरों का मूल्यांकन करना छोड़ दीजिए, दूसरे का मूल्य कैसे बढ़ेगा
हमारी डाउनलाइंस का मूल्य कैसे बढ़ेगा, हम अपना मूल्य कैसे बढ़ाएंगे, ये बहुमूल्य समय है। कालो ही नाम भगवान, अनादि मध्य निधन यथोपचरित कर्मानुसारी। ये समय सर्र करके निकलता चला जा रहा है, ये वापस नहीं लौटने वाला। तो क्या आज आपने अपने स्टारों को या अपने स्टार को बढ़ाने के बारे में सोचा? अवश्य सोचिएगा, और ये विचारणीय प्रश्न है, अनुकरणीय है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है ना, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। तो आकलन जरूर करिएगा, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तो बाद में अब पछताए होत क्या, जब अन्य कंपनियां उड़ा ले गई टीम, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेती, ये किस्सा पुराना हो गया, ये मैंने थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया है। जब उड़ा ले गई टीम, और भला हो उसका जो ऊपर से बैठकर मूल्यांकन कर रहा है। तमाम लोग गए थे हमसे रूठकर और हमसे टूटकर, या हम कहीं लग गए थे अपनी मंजिल को पाने के लिए और हमारा वास्तव में ध्यान नहीं रहा टीम पर, तो जो टीम से रूठकर गए वो पता चला कि लोगों ने उनको गुमराह कर दिया। हमारी ग्रेट अपलाइन ने हमको एक मैसेज दिया और मैंने देखा कि वो जिन चीजों की तारीफ किया करते थे वो तो जहरीली निकली, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उतना खतरनाक जहर वो स्वयं अपने परिवार को खिला रहे थे। वो गाना बना है ना, आ जा रे रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ठीक, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये जो दिशा दिखाने वाला है सही मिल जाए तो एक दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। वो जिसने आपको दिशा दिखाई है ना, उसको इग्नोर मत करिएगा, उसका तो जितना तारीफ करिएगा उतना है ना, उसकी जितनी तारीफ कर पाए आप, क्योंकि तारीफ करने वाला फिर आपको भी मिलेगा। निंदा करने लगे अपनों के बीच में, अरे बहुत ऐसो है, तो आप भी बेकार हो जाएंगे। तो केहू के अगर केहू बुराई अगर करी तो बदला में ओके उहे मिली जौन उ करेला, तो का कही जा सकेला, तारीफ करी हूं मैं दम्बा और बाद बाकी तो सब कम्बा। जो एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं और मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जो एक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ग्रोइंग नहीं है, उसको भी साथ लेके है ना जरूर चलिए, है ना जरूर चलिए। और ये मैटर नहीं करता कि आप कितने हॉनेस्ट हैं और कितने लायक हैं, एक वक्त के बाद सबका मन भर जाएगा आपसे। एक ही चुटकुला बार बार सुनाना, एक ही बात बार बार करना, इससे थोड़ा सा हटिएगा, इससे थोड़ा उभरिएगा। क्या कर सकते हैं, रोज नया सीखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, मीटिंग्स में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, और नहीं हो तो मीटिंग अपने घर ले आइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 6 वर्ष बाद ही सही लेकिन महागुरु का आगमन हुआ हमारे आवास पर हुआ, और उससे भी अच्छा तब लगा जब हमने किसानों के साथ जब मैं काम कर रहा था और जब मैं उनको बताता था कि देखिए साहब, किसान और खेतों के लिए बहुत ही दिव्य प्रोडक्ट आया है जो एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर, ये बड़ा दिव्य प्रोडक्ट हैं। ये बात कहने के लिए, चूंकि मैं चिकित्सक हूं, तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक टेरिस गार्डन बनाया। उस गार्डन में मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, और जब मैंने इसका इस्तेमाल किया लगातार 2 साल 1.5 साल 2 साल, और मैंने लगभग घर में वेजिटेबल जितने हो सकते हैं, सामान्य रूप से धनिया कहें, तरोई कहें, लौकी कहें, बैगन कहें, मिर्चा कहें, टमाटर कहें, सेम कहें, तमाम चीजें मैंने उगाई। वो आप देख सकते हैं, हमारा जो चैनल है DR.Ayurveda
अरुण कुमार पांडे, dr.arunkumarpande, सिर्फ इन्हीं चीजों से मैंने छत की क्या दशा कर रखी है, कितने सुंदर सुंदर मनमोहक मनमोहक फूल खिलते हैं और तमाम चीजें ऐसी हैं जो हिट करती है। ये देखिएगा dr.arunkumarpande। और माता जी के साथ मैं एक अच्छा वक्त बिताता हूं। दो काम मेरे आसान हुए। आज से 9 साल पहले जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लोग थे, उन्होंने कह दिया था कि अपनी माता जी का नी ट्रांसप्लांट करा दीजिए, घुटना प्रत्यारोपण कराइए। मैंने कहा क्या किया जा सकता है। कई चिकित्सकों से, कई ऑर्थोपेडिक सर्जन से मैंने बात की, सलाह की, ली राय ली, पता ही नहीं चल पाता था क्या है, अब क्या किया जाए। और वो पीड़ा और दर्द से करा रही थी, तमाम तरीके के पेन निवारक चीजें खा रही थी, और मुझे मालूम था कि दर्द की एक गोली कितनी जानलेवा होती है। हम लक्षणों की चिकित्सा करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लक्षणों की चिकित्सा नहीं की जाती है, मर्ज की चिकित्सा की जाती है, कारणों का निवारण किया जाता है। किस कारण से यह मर्ज हुआ, सौभाग्य से यह प्लेटफॉर्म मिला इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन, माताजी पेन अवे ऑयल, पेन अवे टेबलेट, एलोकाइल डी, इसका इस्तेमाल करती हैं। माताजी कई प्रोडक्ट्स खाती हैं, क्योंकि एज है उनकी तो हार्ट स्ट्रांग भी खाती हैं, एलो मुक्ता भी खाती हैं, तमाम प्रोडक्टों का सेवन करती हैं। और सबसे पहले क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी तो एलो डाइजेस्ट का उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। श्री हल्दी और श्री तुलसी के मिश्रण को कोरोना काल से ही हमारा परिवार लगातार पी रहा। पहले तो जिद करनी पड़ती थी, पी लो पी लो। जब हमारी कॉलोनी में, काफी बड़ी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जब वो गाड़ी आती थी जो चेक करती थी कि कोरोना तुमको है या नहीं, मैं डरते डरते सबसे पहले निकला। चूंकि मैं चिकित्सक हूं, हॉस्पिटल जाता हूं, ड्यूटी करता हूं, भीड़ में रहता हूं, सबसे पहले मैं निकला। जब मेरी रिपोर्ट आई निगेटिव, फिर मैंने लोगों की जांच कराई, सब निगेटिव। किसका कमाल है, सर्व रोग हरे तुलसी, सभी रोगों का हरण करती है तुलसी। और एक चिकित्सक होकर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। वो जो बार बार बीमार होके आ रहा है, वो दोबारा बीमार न पड़े, तब न तारीफ करेगा। आपसे जिसने राय मांगी और वो बीमार दोबारा उस बीमारी के कारण नहीं हुआ, तब न काम बनेगा। जो समस्या वो लेकर आपके पास आया है, अगर आपने उस समस्या का निस्तारण किया तब वाहवाही मिलती है। तो श्री हल्दी श्री तुलसी को जिस पेशेंट को जोड़ देंगे, जितनी तरीके की बीमारियां हैं, जितनी तरीके की आइटिस वाली दर्द सूजन के साथ जो परेशानी होती है, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, जिसमें आइटिस लगा है, वो सभी तरीके की आइटिस वाली परेशानी कौन दूर करता है, श्री तुलसी। अपना लीडिंग ब्रांड है, ब्रांड एम्बेसडर है अपनी कंपनी का। क्या करता है, वो इन्फेक्शन के कॉज को समझता है, बॉडी के अंदर जो तत्व हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको हटाता है। इसके अंदर का जो सबसे दिव्य प्रोडक्ट है, जो दिव्य चीज है, वो है यूजेनॉल। ये जो यूजेनॉल है, ये सब उसका इस्तेमाल करते हैं अनजाने में। पहले के लोग जरा से भी खांसी हो तो क्या कहते हैं, तुलसी का अर्क बना के पी लो, तुलसी की चाय बनाकर पी लो, ये तमाम लोग कहते हैं। काम कौन कर रहा है, तुलसी के अंदर वो दिव्य चीज। और सौभाग्यशाली हम हैं जो कि इंटरनेशनल हर्बल कारपोरेशन ने बनाकर हमको पंच तुलसी का अर्क दिया है। इतना दिव्य है, अपना एक और लोगों के कई जोड़ दीजिए। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बॉडी के अंदर वो लिख के दे रहे हैं कि 200 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करते हैं। सबसे बेहतरीन है, देखिए बचना किससे है, 80 बीमारियां हैं वात रोगों की, 80 बीमारियां हैं वात रोगों की, और ये सब सबसाइड होती हैं, ये सब छूट सकती हैं, ये सब से बचा जा सकता है। कैसे बच सकते हैं, बचेंगे मसाज ऑयल से। थोड़ा सा पेन अवे ऑयल उसमें मिला दीजिए, एक दो बूंद तुलसी डाल दीजिए और करिए मालिश शरीर की। क्यों, शास्त्रों में लिखा है अभ्यंगो वातहा पुष्टि स्वप्न दाढ़्य बहुत वकृत दग्ध भग्न क्षतः रुजह श्रम क्लम जरापहा।
वो जो जरापहा है मतलब बुढ़ापे तक को दूर करने की जो पद्धति है वो सिर्फ और सिर्फ मसाज ऑयल में दिव्य चीज है। करके देखें, आयुर्वेद दैनिक दिनचर्या का सिद्धांत है, दैनिक उपयोग में लाने वाली चीजों का समावेश है। हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं और फिर सावधानी बरतें से बेहतर है कि सावधानी पूर्वक चलें, जिस अंग को जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है उस पर विचार करें। हमारे पहले के सेशन में, इससे पहले जब मैं माननीय परमादरणीय डीएन सिंह साहब के माध्यम से स्पीच पर आया था, मैंने आपको जो बताया था उस बात को जरा एक बार फिर से सुनिएगा। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्ण जीर्ण निरूपयन, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 3:30, 4:30, 5 इस बीच में जरूर उठ जाइए, और अगर रात का खाया हुआ अगर आपने पचा नहीं पाया है तो सोते रहें। स्वप्याद जीर्णी नोतिष्ठेत, और फिर देखिए कमाल वहां से। आयुर्वेद कहता है अष्टम अंजुलि जलम पिबेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उषापान की जो कला बताई गई है उसी में अगर तुलसी डालकर पी लिया आपने, श्री तुलसी, तो 200 बीमारियों की गारंटी तो वहीं ले ली उसने, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोई पीता ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, उठ जाग मुसाविर भोर वही, अब्रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अगर आपको गोल अचीव करना है, आपने प्यारा सा गोल बना रखा है और उसी गोल को गोल करे बैठे हैं पिछले लंबे समय से बैठे हैं, तो ये बिल्कुल राइट डिसीजन है आपका। फरवरी स्टार्ट हो गई है, मार्च आने वाली है, कंपनी के तमाम बम्पर ऑफर मैदान में आ रहे हैं, इनको फॉलो करके अपना गौरव बढ़ाएं, अपना सम्मान बढ़ाएं, मान बढ़ाएं, और जिस पर पद पर हैं एक कदम ऊपर जाएं। मेरी भी प्लानिंग चल रही है, ये जो चेयरमैन की ट्रॉफी रखी है इस ट्रॉफी से मैं ऊपर कैसे जाऊं, इस पर काम है और चल रहा है, है ना। जो थमा थमा सा है वो चल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा जरूर, है ना। वो कहते हैं कि कुछ आपकी टीम में ऐसे सदस्य होंगे जो कम बोलते होंगे, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, जो अंतर्मुखी हो उनका विशेष ध्यान रखिएगा, कि दोबारा नहीं मिलेंगे हम, जरा सोच कर खोना हमें। अर्ज किया है, मुलायजा फरमाए क्या, कि दोबारा नहीं मिलेंगे हम, जरा सोच कर खोना हमें। और अगर कोई खो गया है तो उसे ढूंढ लें, ढूंढने का सही समय है ये। तो दिनचर्या में सुबह उठकर और रात तक, देर रात तक के इन सभी प्रोडक्टों पर जो चर्चा का विषय है क्षण में ही कर दें। हम लोग उठकर उषापान कर रहे थे और वहां पर हम लोगों ने श्री तुलसी और श्री हल्दी का मिश्रण पिया और उसके बाद मंजन का इस्तेमाल किया, और अपना मंजन सबसे बेहतरीन है, जिसको कहते हैं डेंटल क्रीम, केमिकल रहित, और हमारे शरीर के अंदर जो अन्य जो टूथपेस्ट हैं, कोई जानवरों की खाल से बना है, कोई किसी के तरीके से बना है, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए जो दिव्य प्रोडक्ट है वो आयुर्वेद का और सबसे बेहतरीन है अपना। तो अगर आपने अपना मंजन अभी तक नहीं बदला है या आपके किसी भी डाउनलाइन ने नहीं बदला है, उसे आज ही बदलवाइएगा, है ना। चीजें हैं, शीशा जरूर देखते हैं उठ के आदमी, मोबाइल जरूर देखता है उठ के आदमी, और मोबाइल में जो पृथ्वी में दिखता है वो आपका दिखता है। तो कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है साथियों, हम जो देख रहे हैं वो फोटो देख रहे हैं, कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, और अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। तो आज से ही लग जाएं, आपकी मंजिल आपका रास्ता देख रही है। कहने को तो बहुत कुछ है साथियों, बातों को बनाना सीखिएगा।
क्या बने बात जहां बात बनाए न बने, ऐसे लोगों को जरूर छोड़ दीजिएगा जिनके पीछे पिछले 4-5 सालों से आप लगे हैं और काम बन नहीं रहा है और बार बार आप बार बार उनकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, बार बार वो रूठ जाते हैं, टूट जाते हैं। बेकार के इस काम में न लगे, काम करने वालों की कदर करें, काम करने वालों की कदर करो न कि कान भरने वालों के। इस कमी को अपने अंदर मत आने दीजिएगा। आपकी किसी डाउनलाइन ने, किसी डाउनलाइन की, आपकी किसी अपलाइन ने, किसी डाउनलाइन की, किसी डाउनलाइन ने किसी अपलाइन की बुराई कर दी तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत याद रखिएगा, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। डिसीजन मेकर आप हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा निर्णय लीजिएगा कि कोई हमसे छूटे नहीं। और एक और खास बात है, चलते चलते मैं कहूं कि हर दोस्त को हर राज मत बताओ, है ना? आपने क्या गोल बना रखा दोस्तों को मत बता देना। हाँ, हर दोस्त को हर राज मत बताओ। सुना है दोस्तों के भी दोस्त हुआ करते हैं। कहीं आपने किसी से कह दिया और आप जिसको अपनी टीम में क्राउन प्रेसिडेंट बना सकते थे वो निकल लिया, पता चला कि 10% भी हो गया। हाँ, हम सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों की दौड़ का मारा है सफर। विचार अवश्य करिएगा। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबे समय बाद हम सब मिले। मिलेंगे अगले सेशन में जारदारी के साथ, जोरदारी के साथ। और जागना बहुत जरूरी है। उठो जागो रे, उठो जागो रे, क्यों देर ना हो जाए। बड़ा अच्छा लगा आप सभी साथ रहे। गोविंद जी बहुत बहुत अच्छा लगा आप पूरे सेशन में साथ रहे। जितेंद्र जी आप भी साथ रहे, आप पूरे सेशन में रहे। मोहन जी साथ बने रहे, आप सभी का आभार। राजेश, राकेश जी, वीरेंद्र जी, सादर सादर अभिनंदन आप सभी का इस पेज पर जुड़े रहने के लिए। गोपाल जी, आलोक जी, राज बहादुर जी, सभी सभी को दिल से धन्यवाद। आजाद जी, फरुखाबाद की आन बान शान, पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे। आजाद सिंह, आजाद आजाद, ये करके दिखाने वाले हैं कुछ नया कमाल। इनके जो प्रोडक्ट और इनके जो वीडियोस मैं देखता हूं इनके यूट्यूब पर जाकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओरिजिनल बातें ये प्रदर्शित करते हैं, खेती और आंगन मतलब कार्य कैसे किए जा सकते हैं ये स्वयं चिंता करते हैं। और कोई नया पौधा मिल जाए उसकी फोटो डालकर पूछते जरूर हैं, डॉक्टर साहब ये क्या है। लाल बहादुर जी, लवलेश जी, सादर स्वागत है। शैलेंद्र मिश्र जी, आवे के दबा गोरखपुर में। शैलेंद्र भैया जल्दी है आए, हाँ बैठ के कुछ नया कही जाए। हाँ वह है न जगह यह डेवरिया हमार घर। हाँ काम तो करे एक बार हो जो। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। फिर मिलते हैं अगले बार जब नया चांस मिलेगा। दिनचर्याओं का विशेष ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है उसका ख्याल रखिएगा और अपना सम्मान अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, चेयरमैन स्टार एसोसिएट फरुखाबाद की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद।